నిర్మల్ జిల్లా బైంసా మండల ఉర్దూ ప్రింట్ మీడియా మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నూతన కార్యవర్గం ఎన్నుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీనియర్ జర్నలిస్టులు హాజరయ్యారు. हर डिपार्टमेंट का बंदो हर सोसाइटी का बंदे यूनियन होना जरूरी है और खास करके उर्दू यूनियन नहीं था। आज जो है इस इंडिपेंडेंस के मौके पर वो लोग मीटिंग करके पूरे बैंसा टाउन के चैनल और प्रेस भाई लोग यूनियन बनाए, उसमें जो सदर चीफ एडवाइज़र साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे बादशाह मलिक साहब जो सीनियर हैं बहुत दिन से 25 साल से उर्दू अखबार में काम कर रहे हैं, उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट बादशाह साहब के सदारत में कायम किया गया और उनके अंदर में खालिद साहब एजाज़ सदर और तेलंगाना गवर्नमेंट हर रोज़ पब्लिक के वास्ते पूरे आवाम के वास्ते और कुछ ना कुछ नए स्कीम्स ला रहे हैं, वो स्कीम्स आप लोगों तक पहुंचाने का आपका फर्ज है। एक जैसा कि गरीब लोगों का सोशल वर्क है ये, आप लोग पहुंचाना और फिर कहाँ अप्लाई करना, कैसा अप्लाई करना, म्यूनसिपाल्टी में करना, मिसेवर में करना, आप लोग आपके प्रेस के लिहाज से चैनल के लिहाज से सबको पहुँचाना जरूरी है बोल के आप लोग कहता हूँ। ऐसा कई चीज़ एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा कई चीज़ गवर्नमेंट जो कर रहे हैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रेस का फर्ज है बोल के आप जरूर अभी तक निभाते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आप ऐसा ही अच्छा और करिए बोल के आपको बोलते हुए आपको सभी लोगों को मुबारक करते हुए ग्रुप टाइप में आ जाओ सब सही भी आ जाता पूरा सीनियर जर्नलिस्ट जावेद खान साहब भी सैयद जावेद वाइस प्रेसिडेंट भी उन्होंने भी लिखे हुए मास निकाल जावेद भाई किए जा रहे हैं वो मुकामी रुकन असम्बली में उसका कॉपरेट होना ज़रूरी है मुकामी रुकन असम्बली की तरफ से। लिहाजा मैं आपसे एक मुतालबा करता हूँ साहब कि हर जगह उर्दू जर्नलिस्टों के लिए या हर कोई जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट कॉलोनियों का भी ख्याम अमल में आ रहा। अपने पास गवर्नमेंट की एक स्कीम है साहब डबल बेडरूम स्कीम्स की, तो उसमें जो है ना आप अगर पूरे जर्नलिस्ट को आप अपनी तरफ से कोशिश करते हुए अगर डबल बेडरूम स्कीम्स में अगर ये जर्नलिस्टों के लिए अगर कुछ करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी साहब, आप करिए क्योंकि जर्नलिस्ट भी आवाम की खिदमत करने वाले हैं और जितने भी आपके स्कीमात हैं वो हुकूमत के और जो है ना आवाम के दरमियान काम करने वाली शख्सियत होते हैं सहाफ़ी, उनको कहीं से कुछ ऐसा ही नहीं रहता। लिहाजा हमारा आपसे गुजारिश है कि चाहे डबल बेडरूम्स हो या और कोई भी गवर्नमेंट से जो भी सहूलतें उर्दू सहाफ़ियों को हो सकती है या किसी भी जर्नलिस्टों को हो सकती है आप उसमें हमारा पूरा कॉपरेट करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ हम साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लिहाजा मैं ये चंद कलमात कहते हुए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम उर्दू जर्नलिस्ट भाइयों से ये अदबन गुजारिश।